धुबड़ी विधानसभा क्षेत्र से महिला उम्मीदवार बेबी बेगम की प्रबल दावेदारी। असम में विधानसभा चुनाव के मात्र 2 महीने शेष है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिए हैं। असम में वर्तमान भाजपा सरकार को पटकनी देने के लिए कांग्रेस और AIUDF के महागठबंधन के बाद धुबड़ी विधानसभा क्षेत्र में साधारण वोटर के बीच प्रार्थी को लेकर व्यापक चर्चा है। धुबड़ी विधानसभा क्षेत्र 15 वर्षों से AIUDF के दखल में रहा है, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से जनता के बीच प्रश्न उठने लगा है कि इस बार भी यह सीट AIUDF के कब्जे में रहेगी या नहीं। स्थानीय जनता का आरोप है कि विगत 15 वर्षों में जैसा धुबड़ी का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, इसको लेकर इस बार धुबड़ी वासी परिवर्तन चाहते हैं, साथ ही नए चेहरे को चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। नवबारा समाचार धुबड़ी असम से सैयद नूरुल आमीन की रिपोर्ट। जबरदस्त एक साजिश बीजेपी चलाई कैसे न्यूज लाइव এখানে আছে আমি দেখতেছি আমার ভাষণটা ওরাও শুনলো ডাইরেক্ট দেখতেছে আমাদের শেষ ভাষা ওরা কি বলতেছে এইবার আমরা মুসলমানের ওলামায়ে কেরামরা খরিদ করব একটা পয়সা ওরা হারাম দিন না ভাই বলেন তো যে বিজেপিকে আপনারা দেখতে চায় না ধর্মনে দেখতে চায় না মুসলমানরে দেখতে চায় না দাড়ি দেখতে চায় না টুপি দেখতে চায় না এরা কি আমরা সমর্থন দিব নাকি না কেউ সমর্থন দিবেন বলেন তো না হাত উঠিয়ে না করেন তো না মা বলে কি বলবেন বলেন তো না না ওরা আমি দেখতেছি আমার ছেলের সমষ্টি হলো যমুনা ওখানে 4-5 জন বিজেপির ইনডাইরেক্ট ক্যান্ডিডেট লাগাইছে ডেলি দিন মা বোনকে গালি দিয়ে উঠায় এক গ্রুপে 2 গালি দিয়ে উঠে গেলে অন্য গ্রুপে 2 গালি দিয়ে উঠে গেলে অন্য গ্রুপে 2 গালি দিয়ে উঠে গেলে পয়সা বাড়তেছে রাত্রে হইলেই একবার 2 বার লাগেছে মহিলা মধ্যে পয়সা বাটাবে আপনারা এই হারামের পয়সা লইবেন নাকি আপনারা কেউ লইবেন নাকি আমার কোন ভাব হইলে লাগে ভুকা থাকো জাতির জন্য লাগে ভুকা থাকো এক পয়সা বিজেপির লয় ইনডাইরেক্টলি লো কি এটা আমার হারাম এই পয়সা আপনারা নেবেন না এই পয়সা গিয়া আপনারা ধ্বংস করব দিনকে ধ্বংস করব ইসলামকে ধ্বংস করব আজকে ট্রিপল তালাক এটা আমাদের কোরআনের কথা ইসলামের বাণী আল্লাহ রসুলের বাণী ওইটা কে শেষ করছেন বলেন তো करीबन असम चुनाव के लिए 60 दिन बाकी रह गया है। इस चुनाव के दौरान हम 9 भारत समाचार के सभी दर्शकों को 126 जो क्षेत्र है पूरा क्षेत्र का हम जायजा लेंगे। ये लास्ट जो 5 साल अभी गुजर जाने वाला है तो 5 सालों में कौन सी क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे रास्ता के लिए चाहे कोई अनएम्प्लॉय प्रॉब्लम के लिए अभी हम मौजूद हैं जो असम के निचले हिस्से में जो धुबड़ी विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र में इस बार जो सत्ता में जो बीजेपी असम में सत्ता में बीजेपी है लेकिन फिर भी इस बार AIUDF दल यानी बदरुद्दीन अजमल जी का दल यहाँ से लास्ट नजर हस्ती में वो MLA चुन के चले गए थे विधानसभा के लिए। ये 5 सालों के दौरान हम जानना चाहेंगे धुबरी में कौन सी क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है, चाहे यहाँ पे हर मौजूद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे हम अभी जानना चाहेंगे। आपका नाम? मैं आपको अभी 9 भारत समाचार से स्वागतम करता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल मालिक। हाँ, आप कौन सी क्षेत्र में हैं? हम धुबरी क्षेत्र का है। ये धुबरी समष्टि का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA कौन है? MLA है नजरुल इस्लाम। कौन से दल से है वो? AIUDF यानी बदरुद्दीन जी का दल से है। यस यस। ये 5 सालों में क्या डेवलपमेंट मिला है आपको यहाँ पर? देखिए 5 साल को इन लोग नहीं रहने से भी जो डेवलपमेंट है, अगर रहने से भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। इन लोग अगर नहीं भी रहेगा, कोई भी आदमी रहेगा तो इतना डेवलपमेंट होते रहता है, लेकिन इस बार जो डेवलप हम लोग देखा है, हमारा पीछे नदिया है,
ये टोर फोर करके जितना घर बाड़ी जो है सब तोड़ गया, बांस दो चार गार के 32 लाख रुपया तक तो उठा लिया जी। काम कुछ तो हुआ नहीं, अगला साल ये हम जहाँ खड़ा है यहाँ अगर नहीं भी रुक सकते आप, ये नदी में जा सकते हैं। जैसे ऐसे कहना जा रहा है कि अभी हम लोगों को भी सुनाई दे रहा है कि असम में आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस और AIUDF गठबंधन करेंगे, इस गठबंधन में क्या फायदा होगा जनता को? देखिए हमारा इधर अभी जो सिचुएशन है हमारे कांग्रेस के लिए अच्छा है, अगर ऐसा सिचुएशन अभी माहौल बना दिया हम कौन सा पार्टी में वोट देंगे अभी भी तय नहीं कर सकते हम। क्या आप खुद चाहते हैं कांग्रेस AIUDF गठबंधन बने और ये जो कंस्टिट्यूएंसी है नजरुल हक जी यानी बदरन जी का, अजमल जी का जो पार्टी के तरफ से है उनको कांग्रेस को छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छा है, धुबरी जो कंस्टिट्यूंसी है कई 15 साल यहाँ तो AIUDF रहा है, कुछ काम हुआ नहीं, हम लोग जो देखा है कुछ काम हुआ नहीं। तो हमारा जो हम जो इधर रहता है बच्चा से देखा है हम, तो उतना अच्छा काम नहीं हुआ, तो हिंदी हमारा अच्छा नहीं रहता है। मान लीजिए कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को ये जो विधानसभा क्षेत्र है धुबरी छोड़ दिया जाएगा, आपका कौन सी पसंद से ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप चुनाव के जरिए आप उसको दिसपुर भेज सकते हैं? यहाँ क्या होता है मतलब कांग्रेस में सब लोबी का वो राजनीति करता है, जो हर बार क्या है इधर दो चार पांच कैंडिडेट हमारा लोबी रहता है, तो आदमी तो आशा के लिए रहता है, तो जिस आदमी को देता है तो उन लोग क्या है एंट्री कर देता है। किसको देने से आपको मन का चाहत आपको पूरा? इस बार हम चाहते हैं जो अगर मेल कैंडिडेट देगा तो 500 एंट्री कर जाता है, तो कोई बार हमारा जो जन्म से इधर देखा है फीमेल कैंडिडेट लेकिन कोई बार इधर प्रोवाइड नहीं किया। तो आपको कहना है कि आपको एक फीमेल कैंडिडेट देना, महिला को दे, हाँ, महिला देने से यहाँ आराम से जीत जाएगा। ऐसे कौन सी महिला जो नेतृत्व लेंगे आप लोगों के? देखिए महिला तो दो चार नहीं है इधर, एक ही महिला है। क्या नाम है उनका? सब चाहता है, उसका नाम है बेबी बेगम जी, वो हमारा पसंद आदमी है। ये बेबी बेगम शख्स कौन है? बेबी बेगम वो जिला परिषद का अभी वो मेंबर है जी, और पहले एक बार वो एपी काउंसिलर का वो चेयरमैन भी था जी, और वो अच्छा काम करता है हर चीज में इधर, कोई भी आउट को। ठीक है, मान लिया जाए बेबी बेगम के कांग्रेस पार्टी के तरफ से टिकट दिया जाए, बेबी बेगम ने क्या डेवलपमेंट किया? आप खुद बोले हैं अभी वो जिला परिषद के सदस्य में, क्या डेवलपमेंट किया? देखिए वो जिला परिषद सदस्य रहते हुए भी बहुत काम इधर हुआ है, वो हर घर में उसको पहचानता है, कोई भी किसी तकलीफ है तो वो तुरंत आ जाता है, रात दिन जो भी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो चौर डेवलपमेंट के लिए बहुत भी अच्छा काम किया है रहता है। लेकिन इस बार जो डेवलप हम लोग देखा है, हमारा पीछे नदिया है, ये टोर फोर करके जितना घर बाड़ी जो है सब तोड़ गया, बांस दो चार गार के 32 लाख रुपया तक तो उठा लिया जी, काम कुछ तो हुआ नहीं, अगला साल ये हम जहाँ खड़ा है यहाँ अगर नहीं भी रुक सकते आप, ये नदी में जा सकते हैं। जैसे ऐसे कहना जा रहा है कि अभी हम लोगों को भी सुनाई दे रहा है कि असम में आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस और AIUDF गठबंधन करेंगे, इस गठबंधन में क्या फायदा होगा जनता को? देखिए हमारा इधर अभी जो सिचुएशन है हमारे कांग्रेस के लिए अच्छा है, अगर ऐसा सिचुएशन अभी माहौल बना दिया हम कौन सा पार्टी में वोट देंगे अभी भी तय नहीं कर सकते हम। क्या आप खुद चाहते हैं कांग्रेस AIUDF गठबंधन बने और ये जो कंस्टिट्यूएंसी है नजरुल हक जी यानी बदरन जी का, अजमल जी का जो पार्टी के तरफ से है उनको कांग्रेस को छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छा है, धुबरी जो कंस्टिट्यूंसी है कई 15 साल यहाँ तो AIUDF रहा है, कुछ काम हुआ नहीं, हम लोग जो देखा है कुछ काम हुआ नहीं। तो हमारा जो हम जो इधर रहता है बच्चा से देखा है हम, तो उतना अच्छा काम नहीं हुआ, तो हिंदी हमारा अच्छा नहीं रहता है। मान लीजिए कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को ये जो विधानसभा क्षेत्र है धुबरी छोड़ दिया जाएगा, हाँ, आपका कौन सी पसंद से ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप चुनाव के जरिए आप उसको दिसपुर भेज सकते हैं? यहाँ क्या होता है मतलब कांग्रेस में सब लोबी का वो राजनीति करता है, जो हर बार क्या है इधर दो चार पांच कैंडिडेट हमारा लोबी रहता है, तो आदमी तो आशा के लिए रहता है, तो जिस आदमी को देता है तो उन लोग क्या है एंट्री कर देता है। किसको देने से आपको मन का चाहत आपको पूरा? इस बार हम चाहते हैं जो अगर मेल कैंडिडेट देगा तो 500 एंट्री कर जाता है, तो कोई बार हमारा जो जन्म से इधर देखा है फीमेल कैंडिडेट लेकिन कोई बार इधर प्रोवाइड नहीं किया। आपको कहना है कि आपको एक फीमेल कैंडिडेट देना, महिला
प्रोवाइड नहीं किया। तो आपको कहना है कि आपको एक फीमेल कैंडिडेट देना, महिला को दे, हाँ, महिला देने से यहाँ आराम से जीत जाएगा। ऐसे कौन सी महिला है जो नेतृत्व लेंगे आप लोगों के? देखिए महिला तो दो चार नहीं है, इधर एक ही महिला है। क्या नाम है उनका? सब चाहता है, उसका नाम है बेबी बेगम जी, वो हमारा पसंद आदमी है। ये बेबी बेगम शख्स कौन है? बेबी बेगम वो जिला परिषद का अभी वो मेंबर है जी, और पहले एक बार वो काउंसिलर का वो चेयरमैन भी था जी, और वो अच्छा काम करता है हर चीज में, इधर कोई भी आउट को। ठीक है, मान लिया जाए बेबी बेगम के कांग्रेस पार्टी के तरफ से टिकट दिया जाए, बेबी बेगम ने क्या डेवलपमेंट किया? आप खुद बोले हैं अभी वो जिला परिषद के सदस्य में, क्या डेवलपमेंट किया? देखिए वो जिला परिषद सदस्य रहते हुए भी बहुत काम इधर हुआ है, वो हर घर में उसको पहचानता है, कोई भी किसी तकलीफ है तो वो तुरंत आ जाता है, रात दिन जो भी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो चौर डेवलपमेंट के लिए बहुत भी अच्छा काम किया है जी जी जी। उसके दिन से 100% जीत जाएगा। ठीक, देखिए लास्ट पाँच सालों में क्या क्या काम नहीं हुआ है, जहाँ पे यह बहुत से सारे समस्या है, या ऐसा कौन सी बड़ा समस्या है जो नजरुल हक जी ने काम नहीं कर पाया? कौन सी? देखिए हमारा यहाँ जो रास्ता है वो रास्ता आधा से कर गया, ठेकेदार में भाग गया है, काम नहीं कर रहा है। आप जाने से देख पाएगा यहाँ जो रास्ता है एकदम घड़ा घान, यहाँ रोड नहीं किया है, घड़ा घान यहाँ रोज, यहाँ पे हर साल में बाढ़ आती है, बाढ़ आता है, माल होता है, कितना बार, कितना कितना ऊंचा तक पानी ऊंचाई होता है? 15-20 फुट होता है ज्यादा। बाढ़ के समय में आदमी लोग कहाँ जाता है? कुछ लोग रास्ता में आता है। उस समय कौन से ऐसे पार्टी है, कौन से नेता है आपको बाढ़ के समय में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है? जो आता है ये कांग्रेस पार्टी का आता है, बेबी भाई तो आता है, और नजीबुल उमर भी आता है, यहाँ आकर हमारा राइस का देखभाल करता है, कोई सेवा वा करता है? सेवा करता है बेबी भाई तो इस पास में, इस पाँच साल में जा है, जो पाँच साल में गया है, जो बेबी भाई तो है जेड पी सी, वो ज्यादा नजर दिया है।